दोस्तों, अगर आप 8 से 9000 रुपए की प्राइस रेंज में मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके जरूर काम आएगी। आज मैं लेके आया हूँ 8 से 9000 रुपए की कीमत में मिलने वाले तीन स्मार्टफोन, जिसमें हमारे पास दो रियलमी और एक रेडमी का मोबाइल है। और पहला सेट हमारे पास है रियलमी C3, दूसरा स्मार्टफोन रियलमी 3i और तीसरा है रेडमी 8। तीनों ही 4GB वेरिएंट है। तीनों में आपको मिलती है 4GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज। वहीं बैटरी की बात की जाए तो Realme C3 और Redmi 8 में आपको मिलती है 5000mAh की पावरफुल बैटरी और Realme 3i में मिलती है आपको 4230mAh की बैटरी। बाकी वीडियो में आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है तीनों स्मार्टफोन में, खास बने रहिए मेरे साथ। वीडियो में चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। तीनों मोबाइल के बॉक्स को ओपन कर लिया है। Realme C3 में आपको सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर आपको सिम इजेक्टर, पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल दिया गया है। वहीं Realme 3i में भी आपको मिलता है एक मिनी बॉक्स, जिसके अंदर आपको सिम इजेक्टर, पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और साथ ही आपको मिल जाता है एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का मोबाइल कवर फोन की सेफ्टी के लिए। और Redmi 8 में भी आपको एक मिनी बॉक्स दिया गया है, इसके अंदर भी आपको सिम इजेक्टर, पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और फ्लेक्सिबल सिलिकॉन का मोबाइल कवर फोन की सेफ्टी के लिए दिया गया है। इसके बाद तीनों में स्मार्टफोन मिलते हैं, फिलहाल के लिए इन्हें रख लेते हैं साइड में। और अंदर देखें तो हमें तीनों मोबाइल में एक चार्जर अडैप्टर और यूएसबी केबल दी गई है। तीनों स्मार्टफोन में आपको 10 वॉट के चार्जर दिए गए हैं। 5 वोल्ट 2 एम्पियर के आउटपुट रेटिंग के साथ ये चार्जर आते हैं। Redmi 8 में आप 18 वॉट का फास्ट चार्जर भी यूज कर सकते हैं। Realme के दोनों स्मार्टफोन में आपको माइक्रो टू यूएसबी केबल मिलती है और Redmi 8 में आपको मिलती है टाइप सी यूएसबी केबल। और ये हैं तीनों स्मार्टफोन। फ्रंट साइड का लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है तीनों स्मार्टफोन का। Realme C3 साइज में बड़ा है दोनों स्मार्टफोन से और Realme के दोनों स्मार्टफोन में आपको स्क्रैच कार्ड ऑलरेडी लगा हुआ मिल जाता है। Redmi 8 में आपको कोई भी स्क्रैच कार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। और ये है तीनों मोबाइल का बैक साइड का लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। तीनों मोबाइल में आपको कर्बी बैक पैनल दिया गया है। Redmi 8 में आपको काफी ग्लोसी फिनिश बैक पैनल में दी गई है। वहीं Realme C3 और Realme 3i में आपको बैक पैनल में रिजेस मिलते हैं। Realme 3i में आपको काफी अच्छे डायमंड कट्स देखने को मिल जाते हैं। Realme C3 में आपको सनराइज डिजाइन दिया गया है। दोनों में स्क्रैचेस आने के बहुत कम चांस है क्योंकि आपको दोनों में रिजेस मिल जाते हैं, जबकि Redmi 8 में अगर आप बिना कवर के यूज करते हैं तो काफी जल्दी इसमें आपको स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं तीनों मोबाइल के डिस्प्ले साइज का। तो Realme C3 में आपको 6.5 इंच की HD+ IPS LCD मिलती है। Realme 3i और Redmi 8 में आपको मिलती है 6.22 इंच की HD+ IPS LCD। Realme C3 में आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशो दिया गया है, बाकी दोनों मोबाइल में आपको 19:9 का एस्पेक्ट रेशो मिलता है। वहीं स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो Realme C3 में आपको 720x1600 पिक्सल का स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलता है, बाकी दोनों मोबाइल में आपको मिलता है 720x1520 पिक्सल का। पिक्सल डेंसिटी आपको तीनों मोबाइल में 270 ppi की दी गई है। Realme C3 और Realme 3i में आपको राइट साइड में पावर ऑन की मिलती है। Redmi 8 में आपको पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स एक साथ मिल जाते हैं। ऊपर की साइड देखें तो दोनों Realme के मोबाइल में आपको कुछ नहीं दिया गया है। Redmi 8 में आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, साथ ही आपको सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए दिया गया है। मोबाइल के लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ पर हमें Realme के मोबाइल में आप वॉल्यूम रॉकर्स लेफ्ट साइड में मिल जाते हैं। सिम ट्रे आपको दोनों तीनों मोबाइल में यहाँ पर दिए गए हैं। मोबाइल के बॉटम में देखें तो बॉटम में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल सब कुछ एक साथ बॉटम में मिल जाता है। वहीं बैक साइड देखें तो Realme C3 में आपको रियर में मिलते हैं 12+2 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट और फ्रंट साइड में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और Realme 3i में आपको बैक साइड में Realme की ब्रांडिंग मिलती है, इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और रियर में आपको मिलते हैं 13+2 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बात करें Redmi 8 की तो इसमें आपको बैक साइड Redmi की ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, इसमें भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और रियर में आपको मिलते हैं 12+2 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर आपको Realme C3 में नहीं मिलता है, बाकी फेस अनलॉक आपको तीनों स्मार्टफोन में मिल जाता है।
तीनों मोबाइल के सेटिंग का इंटरफेस हमने ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तीनों मोबाइल में आपको डिफरेंट इंटरफेस देखने को मिलता है। रियलमी C3 में आपको एंड्रॉयड वर्जन 10 मिलता है और रियलमी UI वर्जन 1.0 अपना खुद का UI वर्जन आपको इसमें दिया गया है। बाकी आपको इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है, MediaTek Helio G70 का चिपसेट आपको इसके साथ दिया गया है, 4GB रैम है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज जिसमें से लगभग 50GB अवेलेबल है यूज़ करने के लिए, एक्सपेंडेबल मेमोरी को 256GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। वहीं नज़र डालें Realme 3i की सेटिंग में, तो इसमें हमें कलर OS वर्जन मिलता है 6.0 का, जो कि Oppo के मोबाइल में भी आपको मिलते हैं। Android वर्जन 9Pie दिया गया है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर हमें इसमें भी मिलता है, MediaTek Helio P60 का चिपसेट आपको इसमें दिया गया है, 4GB रैम है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज जिसमें से 48GB अवेलेबल है यूज़ करने के लिए, इसमें भी आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 256GB तक बढ़ा सकते हैं। बाकी कैमरा डिटेल दी गई है, एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको 5 जुलाई 2019 का आपको इसमें मिलता है। और आप नजर डालते हैं Redmi 8 की सेटिंग में, तो इसमें आपको MIUI वर्जन 11.0.2.0 का दिया गया है, एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें 9Pie मिलता है, एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 1 जनवरी 2019 का आपको इसमें दिया गया है। बाकी इसमें आपको 4GB रैम मिल जाती है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज जिसमें से 49GB अवेलेबल है यूज करने के लिए, और इसमें आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 512GB तक बढ़ा सकते हैं। ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें भी मिलता है, और चिपसेट की बात करें तो आपको इसमें मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 का चिपसेट। तीनों मोबाइल के स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो Realme C3 और 3i में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, और Redmi 8 में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। अब बात करते हैं तीनों मोबाइल के हाइट की, तो Realme C3 की हाइट है 164.4mm की, 156.1mm की मिलती है हमें Realme 3i में, और 156.4mm की मिलती है Redmi 8 में। थिकनेस की बात की जाए तो 8.9mm की Realme C3 में, 8.3mm की हमें Realme 3i में, और Redmi 8 में मिलती है 9.4mm की। और अब वेट की बात करते हैं तो 195 ग्राम का है Realme C3 और 175 ग्राम का है Realme 3i, 188 ग्राम का है Redmi 8। और अब बात करते हैं तीनों मोबाइल के प्राइस की, तो Realme C3 और Redmi 8 आपको मिलते हैं 8,000 रुपये की कीमत में 4GB वेरिएंट, वहीं Realme 3i आपको मिलता है 9,000 के आसपास। तो आपको कौन सा मोबाइल तीनों में से अच्छा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तीनों में से कोई सा भी मोबाइल तो मोबाइल के बारे में कोई भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ मदद मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।